तुगल के आबाद के अंदर जो मंदिर तोड़ा गया, क्या यूएसए वगैरह के अंदर भी ऐसे मंदिर तोड़े जाते हैं? और जो ये मंदिर टूटा गया है, यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, तो यहाँ के जो आंदोलन हो रहे हैं उनको आप कितना सार्थक देखते हैं कि इनसे क्या निष्कर्ष निकल पाएगा? अमेरिका में कभी किसी मंदिर को या चर्च को कभी नहीं तोड़ा गया आज तक जी। उनकी जो सिटी की प्लानिंग, जैसे यहाँ पर डीडीए का चल रहा है, जब क्या है डीडीए का, है ना, जो प्लानिंग, या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लगा लो, है ना, हम उनको इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन ये नहीं कि जो पब्लिक के सेंटीमेंट से अगेंस्ट खेला जाए जी। कंट्री वो अमेरिका, जितने भी यूरोपियन कंट्री भी है जी। वो कभी भी पब्लिक सेंटीमेंट के साथ कभी नहीं खेलते, उनको कंसिडर करते हैं, उनके लिए कुछ सोल्यूशन निकालते हैं जी। और सोल्यूशन कैसे निकालते हैं कि ये नहीं कि जहाँ से चर्च है इसको हटा दो, रोड निकालनी है, क्योंकि जो प्लानिंग में जो क्या करें आप, इंडिया में जो प्लानिंग कैसी चलती पता ही है ना, जब सारा कोई बन जाए तो फिर सड़कें तोड़ने आ जाते हैं, उनको पहले पता होना चाहिए। तो जे इसमें उन कंट्रियों में और इनमें ये फ़र्क है कि जो भी होगा वो अगले 100 ईयर का सोच के चलते हैं, और यहाँ पर पता नहीं कि 100 ईयर में कितने मंदिर बनेंगे, मस्जिद बनेगी, क्या बनेगा, गुरुद्वारे बनेंगे, किसको कहाँ से मोड़ना है, वो गवर्नमेंट अपने आप देखती है। लेकिन इसका जो तुगलकाबाद का आपने क्वेश्चन किया, दुख है इसका बहुत, और पंजाब में आपने देख लिया कितना एजिटेशन हुआ, अभी और होने वाला है, 21 तारीख को होने वाला है, पता चला कि जो हमारे लीडर कुछ बातें कर रहे हैं और वो बातचीत करके थ्रू इसका पहले पहले सोल्यूशन। बहुजन समाज से हैं तो कहाँ तक सार्थक देखते हैं कि जो आंदोलन है ये कहाँ तक सार्थक हो पाएगा वो बताएं? सार्थक तो पंजाब वालों ने दिखा दिया, इंडिया वालों ने दिखा दिया, हरियाणा वालों ने दिखा दिया, यूपी दिल्ली सभी ने, है ना, पंजाब वालों ने थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया, तो उसका कारण है कि जो सार्थक होगा, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन पहले निकाले, लेकिन ये सोल्यूशन ना निकाले कि वहाँ से जगह किसी और जगह दी जाए, नो, जगह वो ही चाहिए। 600 साल पुरानी, तब ना डीडीए था, ना इंडिया गवर्नमेंट थी, ना कुछ और था, कुछ भी नहीं था जी। आज इंडिया में गवर्नमेंट बनती है किसी पार्टी की हो, मैं ये पिन पॉइंट नहीं करता, लेकिन उसको ये होना चाहिए कि इतने पुराना ऐतिहासिक चीज़, यहाँ गुरु रविदास जी आए और सिकंदर लोधी ने वहाँ पर जो उनके प्रवचन सुन के, जब उन्होंने 2-3 दिन यहाँ पर रहे, उन्होंने ज़मीन अलॉट कर दी, और आप लोगों को जो जलन हो रही है कि जब महंगी हो गई ज़मीन, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉरेन में इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, और यूके में 18 को वहाँ पर बहुत बड़ी एजिटेशन है ना, और यहाँ पर के कैलिफोर्निया में 19 को है, और 21 को न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी एजिटेशन हो रही है, और 20 को जे जर्मन में हो रही है, और यूरोप के सभी इकट्ठे होके स्विट्जरलैंड में वहाँ पर यूएनओ के सामने धरना देने जा रहे हैं। जे इंटरनेशनल लेवल पे भी, जे इंडिया में नहीं है, अब तो वर्ल्ड वाइड हो गया, और इंडिया के लोगों को, मुझे सभी को, अपने सभी बहुजन है, तो एक बार जे इकट्ठे होने की जो यूनिटी थी ना, जो बाबा साहब ने बोला यूनाइट, हम एजुकेट तो हो गए, हम एजुकेशन भी बातें करने लगे, लेकिन हम जो एजिटेट पहले करने लगे और उसको यूनाइट होने की बात कम करते। मैं तो लीडरों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, वे सभी लीडर इकट्ठे होके जो यूनिटी की बात करें, और जो हमारे सेंटीमेंट्स हैं उनके साथ कोई गवर्नमेंट हो, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आप थे हमारे साथ हरदेव जी, जिन्होंने बताया कि अभी ये लड़ाई पूरे देश की और दिल्ली तक की नहीं रह गई है, पूरे विश्व की लड़ाई हो गई है, और बहुजन मूवमेंट जिसे 85% बोला जाता है, वो यूएसए से लेके, भारत से लेके यूएसए, और यूएसए से लेके पूरे विश्व के अंदर ये लड़ाई फैल चुकी है रविदास महाराज की, और ये लड़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी, क्योंकि अब मंदिर बनेगा वहीं भी, ये कहना है बहुजन समाज के लोगों का। हमारे साथ आपने बात करी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।